जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स में आप लोगों का स्वागत है। अभी काफ़ी लोगों के मन में ऐसा रहता है कि क्या ग्राफ्टिंग कर सकते हैं अभी, या प्रूनिंग करना चाहूँ मैं अभी तो क्या मैं प्रूनिंग कर सकता हूँ, या मुझे रिपोर्ट करना है तो क्या मैं अभी रिपोर्ट कर सकता हूँ मेरे एडिनियम्स को। तो यही सभी जो बातें हैं जो अपने माइंड में आती हैं, और इस टाइम पे हम क्या प्रोसीजर कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर अपने को नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में जो है आज का वीडियो हम लोगों ने प्लान किया है। और एक एक करके हम लोग जो हैं सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ प्रोसीजर कर सकते हैं, क्या हम लोग जो हैं अभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो आपके सभी मित्रों को जो है आप लोग शेयर कीजिए, जिससे जो है आप लोग देख रहे होंगे हमारे सब्सक्राइबर काउंट जो है बहुत कम है। जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं और जिस हिसाब से हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, लगभग 700 वीडियो होने जा रहे हैं, और उस हिसाब से जो है सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम है। जो भी हमारे मित्र हैं जिनको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो वो और भी जो उनके मित्र हों जिनको एडेनियम पसंद हो उनसे सब्सक्राइब करवाएँ, और लिंक आप भेज सकते हैं आपके मित्रों को जिनको एडेनियम पसंद है, जिससे हम लोगों को भी थोड़ा सा जो है इस बात पे थोड़ा बूस्ट मिले, मतलब हम लोगों का भी उत्साह वर्धन होए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और बढ़िया वीडियोस आपके लिए बना करके लेके आएँ। तो आज के वीडियो का हम टॉपिक के ऊपर आते हैं अब मेन, कि प्रूनिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों अभी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, मगर आपके यहाँ अगर बारिश है तो बहुत दबा के हार्ड प्रून नहीं करें। जैसे समझ लीजिए आपको प्रून करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे ये पौधा है, इस पौधे से मैं आपको बताऊँ तो पिंचिंग आप इसकी कर सकते हैं सिर्फ, पर आप चाहें कि यहीं से काट दें इसको, तो इस मौसम में अगर बारिश आ गई, ऊपर पत्तियाँ नहीं रही, पौधे पर ग्रोथ नहीं रही, तो वो पौधा जो है आपका मर सकता है। और प्रूनिंग आप करना चाहें तो जैसे पौधे के ऊपर काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो कुछ ब्रांचेस को छोड़ के आप प्रून कीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे समझ लीजिए इस पौधे पे चार ब्रांच हैं और मुझे प्रून करना है, तो चारों को एक साथ मत काट दीजिए। काट देने से कई बार क्या होता है कि पौधे में ज़्यादा पानी गया और पौधे को ग्रोथ वापस लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर हम बिल्कुल जो है उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। आप इसमें दो ब्रांच अभी काटिए, थोड़े दिन बाद में जब आपको लगे कि इसमें ग्रोथ आने लग गई है तो बची हुई दो ब्रांच को बाद में अपने को प्रून करना है। तो इन बातों का अपन ध्यान रखें, एंटीफंगल लगाना नहीं भूलें, एंटीफंगल नहीं भूलें लगाना, और सुपर ग्लू हो तो वो भी आप लोग जो हैं लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है सुपर ग्लू लगाने की नीड नहीं है, पर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है आपके एरिया में तो वो ड्राई होने की पॉसिबिलिटी ऊपर से जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्लांट को। तो ऊपर से जो है आप उसको अगर गर्मी तेज़ है, धूप तेज़ है, प्रून करने के बाद जो है थोड़ी देर एंटीफंगल लगाएं, उसके बाद जो है सुपर ग्लू लगाना नहीं भूलिए। अब बात आती है रिपोर्टिंग की, तो अभी आप लोग जो हैं रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कोई ख़ास समस्या नहीं है रिपोर्टिंग करने में। रिपोर्ट करते ही जो है बहुत धूप में, बहुत बारिश में, बहुत वाटरिंग, इन चीज़ों को अपने को अवॉइड करना है। रिपोर्ट के बाद दो चार दिन छाया में रखिए, जिससे पौधा सेटल हो जाए। अगर आप नर्सरी से लाएँ पौधा तो कोशिश ये भी कीजिए कि दो चार दिन उसको नॉर्मल आपके यहाँ के आबो हवा के हिसाब से उसको ढलने दीजिए। एकदम से अपन इंस्टेंटली लाते हैं उसको रिपोर्ट कर दें तो भी जो है पौधा कई बार जो है मर सकता है आपका। लाएं एक दो दिन ऐसी जगह रखिए जहाँ उसको कंफर्ट जोन हो, जहाँ समझ लीजिए थोड़ी सी छाया रहती हो, फिर पौधे को धीरे धीरे धूप में लाएं और इंस्टेंटली उसको रिपोर्ट नहीं करें। कई बार अपन लाते ही जो है उसको रिपोर्ट में उसके लग जाते हैं, क्योंकि नर्सरीज के अंदर जो है थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है। आपने देखा होगा कि घर अपने जो गार्डन है या अपना जो छत है उससे थोड़ा सा टेम्परेचर उसके नर्सरी के अंदर लो रहता है, इतना हाई टेम्परेचर नहीं रहता है, तो पौधा जो है उस टेम्परेचर उस आबो हवा के हिसाब से ढला हुआ रहता है। हम लाते हैं उसके साथ जो है बहुत सारी छेड़खानी अगर करते हैं तो पौधे को जो है नुकसान पहुँचता है। और लास्टली जो बात रही ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग जो है आप लोग अभी कर सकते हैं, बेस्ट टाइम है। जब भी ग्रोथ फेज़ हो प्लांट में, एडेनियम में, तब आप उसकी ग्राफ्टिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए अब ग्रोथ अच्छी आ रही है, कब नहीं करनी है, नवंबर के बाद अपने को नहीं करनी, अक्टूबर से अपन बंद कर दें तो ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर
और जनवरी, ये चार महीने अपन ग्राफ्टिंग नहीं करें। या बहुत एडवर्स सिचुएशंस हों, जैसे अभी बीच में था कि बहुत तेज़ बारिश थी तो अवॉइड करें, बहुत तेज धूप है, टेम्परेचर समझ लीजिए एक्सट्रीम हो रहा है 48-50 तक राजस्थान का जैसे चले जाता है, तो उस टाइम भी अपने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्राफ्ट के ड्राई होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। कोई भी ग्राफ्टिंग आप किसी भी सीजन में आप करें, थोड़े दिन उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर बहुत तेज़ धूप, बहुत ज़्यादा पानी या एडवर्स सिचुएशन पौधे को नहीं मिले। जैसे समझ लीजिए कोई पेशेंट होता है, उसके कोई ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद हम जो है उसको थोड़े दिन आईसीयू में रखते हैं, स्पेशल वार्ड में रखते हैं, उसी तरीके से पौधे को आप थोड़ा सा उसको स्पेशल केयर में रखें, फिर उसको बाद में जो है धीरे धीरे आप बाहर मूव करवाएं आपके नॉर्मल जो गार्डन है या जहाँ भी आपने पौधे रखे हुए हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो हैं पौधे हेल्दी रहेंगे, फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।